हेलो एवरीवन। और आज मैं आप लोगों को कुछ पिक दिखाने जा रही हूँ जो कि हम लोग बॉम्बे में गए हुए थे तो लिए। और बॉम्बे का जो ताज होटल था उसमें ठहरने का शौक मेरे हस्बैंड का बहुत दिनों से था, तो इस बार हम लोग बॉम्बे ही गए थे और वहाँ का जो ताज महल होटल था उसमें हम लोग ठहरे थे। तो वहाँ का कुछ पिक भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये इंडिया गेट क्या इन गेटवे ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे बाहर में खड़ा होकर के हम लोग फोटो लिए थे। और कुछ वहाँ का पिक भी मैं दिखा रही हूँ। और ये ताज होटल के अंदर का कुछ एंटिक चीज़ था जो मुझे बहुत पसंद आया है, उसका पिक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और वहाँ पे फोटो लेना अलाउ नहीं था फिर भी हम लोगों ने लिया। और यहाँ पे ताज होटल के अंदर में जो नीचे रेस्टोरेंट था, डिनर हम लोग वहीं पे ले रहे थे, तो वहाँ का भी मैं ये पिक ली थी और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए वहाँ का मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा ताज होटल का, मतलब ये इतना अच्छा फ्रेश स्विमिंग पूल पूल है, ये कल दिन फ्रेश में पूल चला से जाएगा सजाया हुआ है। और ये स्विमिंग पूल रेगुलर में। पूल अच्छा अच्छा चेंज होता चलिए, था, कब चेंज करते बहुत थे वो लोग रात भी मुझे हो तो नहीं गई। पता, लेकिन रेगुलर जब मैं देखती थी, 3 4 दिन हम लोग थे वहाँ पे, तो जब मैं देखती थी ये पूल अच्छा काफ़ी फ्रेश बर्थडे रहता था, कब सेलिब्रेट। चेंज करते थे वो लोग मुझे पता नहीं। इसमें मैंने कोई भी एडिट वगैरह नहीं किया है क्योंकि पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बोल के। और यहाँ पे जितने सारे पिक लिए वो सारे मैं आप लोगों को दिखा चुकी। और सबके साथ मैं अपना कुछ रेसिपी नहीं डालूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं अपना रेसिपी भी डाल रही हूँ एक, जो अभी वहाँ से आने के बाद तो काफ़ी लाइट ही हम लोग खा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को लौकी की सब्जी दिखाऊंगी, काफ़ी लाइट रेसिपी है ये और बहुत ही यम्मी लगता है। यहाँ पे सरसों के तेल को मैं गरम कर ली हूँ और सरसों के तेल में मैंने 5 फोरन डाला है, और 5 फोरन जब लाल हो गया है तो उसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल दी हूँ। हम लोग के घर का खाना एकदम विदाउट मतलब स्पाइसलेस बनता है, और क्या इसमें झाल तो बिल्कुल ही नहीं रहता है, और इसलिए मैं कश्मीरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। और आधा इसमें टमाटर और धनिया पत्ता को मैं काट करके और इसमें फ्राई कर रही हूँ, कोई भी अदर मैं मसाला नहीं डालूंगी इसमें आज, धनिया जीरा वगैरह मैं आज कुछ भी नहीं डालूंगी। और मसाला जल ना जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, मतलब 2 चम्मच के करीब में, जिससे कि मसाला मेरा अच्छी तरह से भून जाए, क्योंकि टमाटर का पानी छोड़ते छोड़ते फिर जो मेरा गूरा मसाला है वो मेरा जल जाने का चांस रहता है। और नमक भी मैं डाल दी हूँ जिससे कि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और नमक मैं एक ही बार डाल दी हूँ जितना मेरा सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। और मसालों को मैं थोड़ा अच्छी तरह से भूनूंगी, अदरक लहसुन और प्याज कुछ भी यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है, आप लोग इस तरह से बना के देखें ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैं भेज ही बनाई हूँ, ये नॉन भेज भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसमें आप लोग मछली फ्राई करके डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी यम्मी लगता है चावल के साथ खाने के लिए। और यदि आप लोग को स्पाइसेस पसंद है तो आप लोग कच्चा मिर्चा डाल सकते हैं या देगी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग के घर में कोई भी तीखा नहीं खाता है इसलिए। और मसाला भून जाने के बाद पहले से मैं लौकी और आलू को बॉईल करके रखी थी आधा कप पानी में, तो उस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, उस पानी को मैं अलग रख ली हूँ और सब्जी को मैं अलग कर ली हूँ। तो सब्जी को मैं इसमें डाल के थोड़ी से भूनूंगी, थोड़ी देर तक मैं भूनूंगी क्योंकि सब्जी तो मैंने वैसे ही बॉईल करके रख लिया है, मैं भूनी वगैरह नहीं थी, मतलब लौकी को भूनी नहीं थी। और ये सब्जी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और ना इसमें गरम मसाला यूज़ हुआ है ना कुछ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सब्जी लगता है। रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाने से थोड़ा सा हम लोग सूखा सूखा सब्जी बनाते हैं। और यहाँ पे गोटा कच्चा मिर्चा मैं डाल दी हूँ जो मैं खाती हूँ। और थोड़ी देर तक हम लोग भूनेंगे सब्जी को ऐसे ही, तो भूनते भूनते मतलब सब्जी जब हम लोग का मैश होते रहेगा, थोड़ा मैश भी होते रहेगा और थोड़ा सा ये फ्राई भी होगा, तो ऐसे क्या होता है ग्रेवी बन जाता है बहुत अच्छा। और 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद फिर जो हम लोगों का पानी बचा हुआ है सब्जी बॉईल करते हुए जो पानी निकला हुआ था, क्योंकि लौकी को बॉईल करते समय पानी तो थोड़ा निकलता ही है, और आधा धनिया पत्ता को मैं फ्राई की थी टमाटर के साथ और आधा धनिया पत्ता मैं अभी डाल रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक हम लोग इसको भूनेंगे, भून के फिर इसका जो पानी है वो मैं डाल दूंगी। और आप लोगों को जितना ग्रेवी चाहिए आप लोग और भी एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं।
और खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए रेगुलर के ब्लॉग में मैं एक रेसिपी तो ज़रूर डालती हूँ। और आप लोग मेरे रेसिपी को ट्राई करके देखें, ये बहुत ही अच्छा लगता है घरवा खाना, मतलब और रेगुलर नया नया खाना ट्राई करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, भले वो अच्छा बने या बुरा लेकिन मैं ट्राई करते रहती हूँ और इससे मन भी अच्छा रहता है। और सब्जी मेरा भून चुका है, और जो सब्जी का पानी मैं बोली थी आप लोगों को आधा कप पानी मैं डाली थी, वो पानी मैं डाल दी हूँ इसमें। और फिर मैं और एक्स्ट्रा पानी भी थोड़ा डालूँगी, क्योंकि अभी सब्जी थोड़ा देर तक पकेगा, मतलब 5 मिनट तक पकेगा, उसके बाद सब्जी मेरा तैयार हो जाएगा। तो बाहर से जब हम लोग घूम के आए तो सारा काम, मतलब कपड़े वगैरह इतने दिनों के सारे निकले थे, वो सारे मैंने धो लिए, कपड़ा आयरन भी कर ली और करके फोल्ड वोल्ड सब करके मैं गुछा भी ली हूँ, और अभी मैं काफ़ी फ्री हो गई हूँ, इसलिए कुछ दिनों से मैं ब्लॉग या रेसिपी वगैरह नहीं छोड़ पा रही थी। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और रेगुलर का जैसा जो काम रहता है वो मेरा हो गया है, तो अभी मैं काफ़ी फ्री हो गई हूँ। तो अभी मैं रेगुलर अपना ब्लॉग या रेसिपी बनाया करूँगी और डाला करूँगी, और मुझे जैसे एक नशा सा हो गया है ये वीडियो बनाने का, तो वीडियो नहीं बनाने से कुछ ना कुछ कमी सा फील होता है मुझे। सब्जी मेरा पक के तैयार हो गया है, बस 5 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम में मैं छोड़ दूंगी, और फिर स्टैंडिंग टाइम में कोई भी सब्जी रखना चाहिए। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। ओके बाय फ्रेंड्स। सॉरी।